कौमांतरी महिला दिवस मौके अज लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट वालों करवाए गए मेगा कैंप विच विशेष तौर पर पंजाब महिला कमिशन की चेयरमैन मनीषा गुलाटी वालों शिरकत की गई। मेगा कैंप विच लगभग 800 के करीब महिलावां दे घरेलू मसलियां दा निपटारा करवाया गया अते महिलावां दीयां मुश्किलां सुनियां गईयां। इस दौरान सखी सांझ टीम दी शुरुआत कीती गई जिस नाल सैनिटरी पैड मशीनां लुधियाना दे वख-वख थावां ते लगाईयां जाणगीयां। चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा कि कौमांतरी महिला दिवस मौके अज लुधियाना पुलिस वालों जो उपराला किया गया है वह बेहद शलाघा योग है। महिलावां दे मसले मौके ते हल किए गए ने अते उन्हां दी काउंसलिंग भी की गई है। पुलिस वालों जो सखी सांझ स्कीम की शुरुआत की गई है वह भी काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि महिला दिवस मौके वह यही सुनेहा देना चाहते ने कि महिलावां मजबूत रहन अते अपने परिवार नूं सहयोग देन। देखिए अज तुहानूं सब नूं वी मीडिया दे लोकां नूं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देने। आप लुधियाना एक एकुजा पंजाब जिला है जिंदे ते हमेशा तो हर किस्म का बहुत प्रेशर है लुधियाना उत्ते। लुधियाना उत्ते मतलब लॉ एंड ऑर्डर उत्ते लुधियाना पुलिस कमिश्नर ते उन्हां दी टीम ते एक पूरे पंजाब दे कंपैरेटिव बहुत अलग ही एक सिचुएशन इत्थे रहिंदी है जिन्हों मैनेज करना एक हर पुलिस ऑफिसर दी बड़ा ही चैलेंज रहिंदा है। मैनू लुधियाना मेरा होम टाउन नहीं है पर लुधियाना सीपी राकेश अग्रवाल जी नू मैं पिछले कुछ सालों तो जानती हाँ इन्हां दी वर्किंग मैं देखी है। ए जदों दे इत्थे लुधियाना आए ने तो इन्हां दा एक मोटिव रहा है एजेंडा रहा है कि कुछ अलग एहोजा काम किया जाए जिन्हों एक तो पब्लिकली सिविलियंस विच पुलिस का विश्वास बने जड़ा कि समय दे नाल घट रहा सी ते कुछ नवा इनिशिएटिव लिता जाए जो कि टाइम टू टाइम है कुछ करते रहते ने। आज दा दिन इन्हां ने दिहाड़ा जड़ा कि साडे समाज ने साडी सोसाइटी ने वैसे तो औरतों लई हर दिन ने पर अज वुमेन्स डे जड़ा एक चुन लिता गया समाज ने चुनिया सोसाइटी ने बन गया तो उन्हू देखते हुए अज इन्हां ने जड़ा एक नवा इनिशिएटिव लिता सैनिटरी पैड दियां मशीनां एडवांस मशीनां लगाईयां गईयां जो कि पंजाब दा पहला पुलिस स्टेशन बनया है जिथे इदा दी एडवांस तकनीक आई है जो कि बिल्कुल इन्हां ने अपने सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिता है किसी ने स्पोंसर नहीं इन्हू किया। उस तो इलावा जड़े अज इन्हां ने 800 फैमलियां दे कैंप इन्ना वड्डा जड़ा है लगाया है वह बहुत ही वड्डा इनिशिएटिव है। सारे जियो लैवल दे अफसर उत्थे ड्यूटी लगे हुए ने काउंसलिंग कर रहे ने कुछ काउंसलर भी प्रोफेशनल बिठाए हुए ने तो मैं लुधियाना पुलिस कमिश्नर नू पूरे पंजाब दी पुलिस नू डीजीपी साहब नू सीएम साहब नू यह दसना चाहनी हाँ कि यह बहुत वड्डा इनिशिएटिव है लुधियाना दे पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल जी का जिन्होंने लिता है तो मैं उन्होंने एप्रीशिएट करती हाँ। उम्मीद करती हाँ भविष्य जो इदा दे इनिशिएटिव लेंदे रहेंगे तो पब्लिकली लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो कि अगे नालों बहुत बैटर है साडा इदा दे इनिशिएटिव लुधियाना पुलिस कमिश्नर साहब लेंदे रहेंगे ते समाज दा एक अपना इन्हां दा जड़ा अच्छा योगदान है। उधर दूजे पासे लुधियाना दे पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा कि अज विशेष तौर ते लुधियाना विच समागम करवाया गया है तां जो महिलावां नूं उन्हां दे अधिकारां प्रति जाणू करवाया जा सके। उन्हां कहा कि यह बेहद जरूरी है कि महिलावां नूं जागरूक किया जाए अते उन्हां नूं यह भरोसा दिता जाए कि पुलिस हमेशा उन्हां दे नाल है। देखो यह अपने इंटरनेशनल वुमेन्स डे दे अज असीं मेगा कैंप लगाया है जिदे विच पंजाब स्टेट विमेन कमीशन दे मानयोग चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी मैडम जी उन्होंने स्पेशल इत्थे आके काउंसलिंग पूरी देखी भी है सारी पब्लिक नू किले किले नू मिल भी रहे हैं दोनों पार्टियां नू एंड वो उन्होंने गाइड भी कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके नाल अपने मनमुटाव दूर करने चाहिए। इस कैंप का मकसद यही सी कि जो मैट्रिमिनल डिस्प्यूट दे केसेस वध रहे हैं समाज दे विच वो दोनों पार्टियां नू सुन के पुलिस ते समाज दे जिहड़े चुने हुए असी कुछ काउंसलर्स जिहड़े काउंसलिंग मैंबरस रखे हुए हैं विमेन सैल दे विच वो पार्टियां नू सुन के उन्हां दा समस्या का समाधान करा रहे हैं। 800 के करीब पार्टियां अज असी बुलाईयां हैगियां ते इह कैंप शाम नू 5 बजे तक चलना है। कोशिश होवेगी कि वध तों वध असी इस पार्टियां दी समस्या का समाधान कर दईए जिन्हां केसिस दे विच सानू लोड पवेगी कि हसबैंड की बहुत ज़्यादा गलती है उसनू माफ़ नहीं किया जा सकता तो वह उन्हों केसिस दे विच फिर असी मौके ते ही असी आज शाम एफ आई आर कर देवांगे तो वो तुहानू सारे आसे डाटा दे देवांगे तो विमेन जिहड़ा डे है वह विमेन्स दी
ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਦਿਲਬਾਗ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਸਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ।